प्यारी सी आशा।
प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतेंद्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतेंद्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहे सर्वोत्तम महसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये
तेरा परम आकाश इसी लोक में करती रूह सर्वोत्तम एहसास मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार
अब तो पूरा हुआ
सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर, हुआ सफर। रिलैक्सेशन कमेंट्री, आपका स्वागत है। आइए
हम आपको इस बाह्य जगत से परे अंतर जगत की यात्रा कराते हैं और आपको मिलाते हैं अपने आप से, अर्थात आप में अंतर्निहित आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा से, साथ साथ उस परम पिता परमात्मा के स्नेह सानिध्य से जो दुख हरता सुख करता है, परम कल्याणकारी है, सुख शांति ज्ञान प्रेम पवित्रता शक्ति एवं आनंद के सागर हैं। वो सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान है, वह दयालु है, परम कृपालु है। बस अपने दुख चिंताएं और व्यर्थ के बोझ को उन्हें सौंप दें और हल्के हो जाएं। अपने दोनों हाथ उस सच्चे साथी परम हितैषी के हाथों में दे दें। अपने शरीर को अब शिथिल कर दें, अपनी चेतना को सिर से पांव तक ले जाएं, अनुभव करें कि सारी थकान दूर हो रही है। रिलैक्स रिलैक्स। अब मन की आंखों से संपूर्ण शरीर को देखें, एक एक अंग आराम महसूस कर रहा है। अब पूरा ध्यान मस्तक की ओर केंद्रित करें, गहरी सांस लें, आराम महसूस करें। आप चैतन्य शक्ति आत्मा हैं, चमकता हीरा, मस्तक पर भ्रकुटी के बीच प्रकाशवान, अंतः चक्षु से अपने प्रभा मंडल को देखें। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं, मेरे पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं। सर्व गुणों का भंडार है, सूरज की तरह उस परम ज्योति से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पर उतर उतर कर मेरे प्रभा मंडल को दिव्य और अलौकिक बना रही है। मेरा संपूर्ण शरीर ताजगी से भर गया है। रिलैक्स रिलैक्स। मेरा रोम रोम अब रिलैक्स हो गया है। ये किरणें मस्तिष्क में फैल रही है,
मस्तिष्क की एक एक कोशिका रिलैक्स हो रही है। यह दिव्य प्रकाश अब नेत्रों में पहुंच गया है। नैनों की रोशनी बढ़ती जा रही है। अब यह प्रकाश गर्दन से होते हुए फेफड़ों में पहुंच गया है। फेफड़े मजबूत हो रहे हैं। अब यह हीलिंग ऊर्जा हृदय तक पहुंच गई है। हृदय की धमनियों का ब्लॉकेज खुल रहा है। अब यह दिव्य प्रकाश नाभि तक पहुंच गया है। लीवर आंतें मजबूत हो रही है। यह प्रकाश अब घुटनों तक पहुंच गया है। हड्डियां मजबूत हो रही है। यह हीलिंग ऊर्जा अब पैरों की एड़ियों तक पहुंच गई है। यह ऊर्जा पंजों में फैल रही है। ओजस्वी तेजस्वी शीतल शीतल यह प्राण ऊर्जा परमात्मा से बरसती जा रही है। और मैं इस परमात्म दिव्य प्रकाश से भरपूर होती जा रही हूं। मेरा रोम रोम शक्तिशाली हो रहा है। मेरा प्रभा मंडल अलौकिक दिव्य शक्ति से तेजोमय हो रहा है। अब यह दिव्य अलौकिक तेज समस्त विश्व में फैल रहा है। मैं आत्मा प्रसन्न स्वस्थ सुचरित्र बनती जा रही हूं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे हम सभी ने ध्यान का महत्व सुना, मेडिटेशन का महत्व सुना कि कैसे हम अपने सात्विक विचार सकारात्मक विचारों से अपने चारों ओर का प्रभामंडल चार्ज कर सकते हैं, और उसके लिए जैसे मैं आपको विचार देती जाऊं, आप अपने मन के अंदर भी उन्हीं विचारों को महसूस करते जाएं। और प्रतिदिन ये अभ्यास दिन में जितनी बार हो सके करते जाएं। स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। अंतरचक्षु से स्वयं को शक्तिशाली विचार देते हैं। महसूस करें, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं।
मेरे चारों ओर पवित्रता की किरणों का प्रभा मंडल देख रही हूं, प्रकाश पुंज हूं। यही श्रेष्ठ स्वमान में स्वयं को स्थित करे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। धीरे धीरे अपने मन को ले चलते हैं ईश्वर के सानिध्य में। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा परम पवित्र प्रकाश पुंज है, अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप। उस परमात्मा पिता से सर्व शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाती जा रही हूं और धीरे धीरे मैं आत्मा सशक्त होती जा रही हूं। मेरा मन शांत होता जा रहा है, ईश्वर के दिव्य स्वरूप में एकाग्र करती जा रही हूं और सर्वशक्तिमान परमात्मा की वो सर्व शक्तियों की छत्र छाया में स्वयं को महसूस करती हूं। परमात्मा के सर्व शक्तियों की ऊर्जा मुझ आत्मा को सशक्त कर रही है और वो किरणों की ऊर्जा मैं अपने शरीर में रोम रोम में प्रवाहित होने देती हूं। मैं आत्मा स्वस्थ हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है। परमात्मा शक्ति की किरणों को स्वयं में समाते हुए मैं उन किरणों को चारों ओर प्रवाहित होने देती हूं। धीरे धीरे मैं आत्मा स्वयं को विश्व के ग्लोब पर महसूस करती हूं और परमात्मा शक्ति की किरणों को सारे संसार की आत्माओं के लिए प्रवाहित करती हूं। सर्व आत्माओं को परमात्मा शक्ति का वरदान प्राप्त हो। सारा संसार इस महामारी से संपूर्ण रीति से मुक्त हो रहा है। हर आत्मा स्वयं पर प्रभु की कृपा वृष्टि को अनुभव करे। परमात्मा शक्ति के वरदान से हर आत्मा स्वयं को शक्तिशाली बनाती जा रही है
आध्यात्मिक सशक्तिकरण हो रहा है। पवित्रता की किरणों से हर आत्मा इस महामारी को समाप्त करते हुए इन पर विजयी अनुभव कर रही है और धीरे धीरे हमारा संसार इस वायरस से संपूर्ण रीति से मुक्त होता जा रहा है। जितना तेजी से आया उतना ही शीघ्रता से जा रहा है और हम सभी परमात्मा वरदानों की छत्र छाया में स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज संपूर्ण विश्व में घोर अशांति, हलचल, भय एवं तनाव के बादल व्याप्त हैं। चारों ओर असुरक्षा का वातावरण है। सभी को हमारी शक्तिशाली शुभ भावना और शुभकामना की बड़ी आवश्यकता है। हम सभी शांति देवा, शांति दूत, सबको अपने स्नेह की, शक्ति की शुभ्र किरणें प्रदान करते चले। इसके लिए विशेष योग तपस्या में हम मग्न हो जाए। हमारी योग तपस्या की शक्तिशाली किरणें विश्व वायुमंडल में व्याप्त विषाक्त जीवाणुओं को जड़ समूल नष्ट करेंगी। वर्तमान समय हमें वरदान बनकर उपहार के रूप में मिला है, अतः अभी अंतर्मुखी बनकर ईश्वरीय प्रेम में मग्न होने का ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। हम इस कल्प वृक्ष के आधार और उद्धार मूर्त हैं। यही समय है अपनी शुभ भावना और शुभकामना की शक्ति का प्रयोग करने का। हम सबको प्राण प्यारे बाप दादा द्वारा पहले से ही ज्ञात है कि विश्व परिवर्तन में सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आए हम सब एक शक्तिशाली योग का वातावरण बनाएं, सबको ज्ञान सूर्य बनकर अपनी शक्तिशाली किरणें प्रदान करते चले। मैं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान हूं, सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। ईश्वरीय गुण और ईश्वरीय शक्तियां मुझे विरासत में मिली हैं। ये सारा विश्व एक ईश्वरीय परिवार है, हम सभी के हैं, सभी हमारे हैं। मैं अपने ही आत्मिक भाई बहनों के दुख एवं कष्ट देख नहीं सकता। मुझसे ईश्वरीय प्रेम एवं
मधुरता का निरंतर प्रवाह हो रहा है। मैं शांति शक्ति से संपन्न महान आत्मा हूं। मेरे चारों ओर शांति की शक्ति का शक्तिशाली प्रभामंडल विद्यमान है। मुझसे निकलने वाली शांति की तरंगे अशांति एवं भय के जाल से सभी को मुक्त कर रही है। मैं शांति दूत हूं, मैं शांति देवा हूं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मुझसे निकलने वाली पवित्रता की प्रबल किरणें सभी के तन मन और जीवन को पवित्र एवं स्वच्छ बना रही है। मैं आत्मा देख रही हूं, इसके परिणाम स्वरूप सभी में स्वच्छता के प्रति अभीष्ट जागरूकता उत्पन्न हो रही है। सारा विश्व हम पवित्र आत्माओं से पवित्रता की किरणें प्राप्त कर निर्मल होती जा रही है। ऐसे वातावरण में सबको शांति और सुरक्षा मिल रही है। भयभीत आत्माएं हर कष्ट से दुख से और भय से मुक्त होती जा रही है। हमारी शुभ भावना और शुभकामना रंग ला रही है सर्वात्माओं को। शांति और सुरक्षा प्रदान कर रही है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर आ रही हैं और हमसे निकलकर सारे विश्व में फैल रही है। चारों ओर के वातावरण में व्याप्त ये विषाक्त कीटाणु जड़ समूल नष्ट हो रहे हैं। ये ईश्वरीय शक्ति का ही सुफल है। जो विश्व की समस्त आत्माएं वर्तमान समय पर शक्तिशाली बनकर इस भय और अशांति के वातावरण से बाहर निकल रही है। मैं आत्मा देख रही हूं, वो दिन दूर नहीं है। शीघ्र ही सारे विश्व
सारे सृष्टि पर। शांति का, प्रेम का, आनंद का प्रचार और प्रसार होगा। विश्व की सभी आत्माएं स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर न केवल अपने तन व वातावरण को स्वच्छ बनाएंगी, अपितु उनका मन और जीवन भी स्वच्छ बनेगा, पवित्र होगा और फिर से हमारी इस धरती पर स्वर्णिम युग का सूर्य उदित होगा। सब स्नेह से, स्वच्छता से, पवित्रता से अपने अभीष्ट को प्राप्त करेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब फिर से इस धरती पर स्वर्णिम युग का स्वर्णिम प्रभात उदय होगा। मेरे सभी आत्मिक भाइयों और बहनों, वर्तमान समय पर धीरज रखकर परमात्मा प्रेम की अनुभूति से इस संकट के वातावरण से बाहर निकलो। हम सभी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। धीरज धरो, धीरज धरो। ओम शांति।